क्यों फिल्मी आज रिलीज हो रही हैं ये फिल्में। पहरेदार पिया की वापसी आज यानी 27 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही हैं। रुख जिया और जिया रुख मसान न्यूटन और आंखों देखी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके मनीष मुंद्रा अब रुख लेकर आए हैं। फिल्म में मुख्य किरदार मनोज वाजपेयी, आदर्श गौरव, स्मिता तांबे और कुमुद मिश्रा ने निभाया है। मनीष मुंद्रा प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर और लेखक अतनु मुखर्जी हैं, मोहन खनन सिंगर हैं। बाप बेटे के रिश्तों और सामाजिक ताने बाने से गुत्थी हुई ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जिया और जिया आज रिलीज हो रही दूसरी फिल्म है कल्कि कोचलिन की जिया और जिया। महिलाओं पर बनी फिल्मों में आप इसे शामिल कर सकते हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही हैं कल्कि कोचलिन और रिचा चड्ढा, दोनों ही अभिनेत्रियों का इस फिल्म में नाम है जिया। कॉमेडी फिल्मों को कभी सराहा नहीं जाता। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन पर फिल्म क्रिटिक्स भले ही मेहरबान न हो लेकिन निर्देशक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिल रही दर्शकों की मेहरबानी से काफी खुश हैं। फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है। ऐसे में रोहित शेट्टी ने कहा है कि वो फिल्मों की समीक्षा से कभी निराश नहीं होते, उनका फोकस सिर्फ ऑडियंस पर होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉमेडी फिल्मों को नेगेटिव रिव्यू मिलता है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई से पता चल जाता है कि फिल्म को कितना सराहा जा रहा है। पिछले दिनों सोनी चैनल से ऑफ एयर हुआ विवादित शो पहरेदार पिया की एक बार फिर वापसी कर रहा है पर एक नए अंदाज में। इस शो का नाम होगा रिश्ता लिखेंगे हम नया, जिसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। नए शो की शूटिंग बीकानेर में हो रही है। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 9-6 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसकी जगह 7 नवंबर से दो नए शो रिश्ता हम लिखेंगे नया और हासिल प्रसारित किए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रगान बजाने को लेकर जारी बहस में कूदते हुए गायक सोनू निगम ने कहा है कि वो हर देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट में इसे नहीं बजाना चाहिए। गायक ने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए और लोगों को उन्हें वही सम्मान देना चाहिए जो वे अपने राष्ट्रगान को देते हैं। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजता है और सभी पाकिस्तानी खड़े होते हैं तो मैं भी उस देश और उन लोगों के सम्मान के तौर पर खड़ा हो जाऊंगा। बीते दौर की मशहूर अदाकारा और सेंसर बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष शर्मिला टैगोर का मानना है कि अनुपम खेर के नेतृत्व में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के हालात बेहतर होंगे। खेर को हाल ही में सरकार ने FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साल 2014 में उनसे पहले गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर काफी विवाद हुआ था। शर्मिला ने कहा, अब अनुपम वहाँ FTII हैं। वो एक अच्छे अभिनेता हैं। वो रंगमंच के कलाकार भी हैं। मेरा मानना है कि उनके नेतृत्व में वहाँ हालात बेहतर होंगे। संस्थानों में नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में 72 वर्षीय शर्मिला ने कहा, राजनीतिक नियुक्तियाँ तो होती हैं। अगर UPA की सरकार है तो वो अपने लोगों को लेकर आएंगे, दूसरे लोग अपने लोगों को लेकर आएंगे।